हटा ब्लॉक में खाद की किल्लत से लगातार किसान परेशान है। हटा में लगातार खाद की कमी से किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं मंगलवार को हटा कृषि उपज मंडी के सामने सड़क पर खाद की कमी को लेकर किसानों ने हंगामा कर दिया। किसान यूरिया और डीएपी की किल्लत से परेशान है और बाजारों में लगातार डीएपी की कालाबाजारी जोरों पर है, जहां किसानों के परेशान होने की वजह से गुस्सा फूट पड़ा। वहीं कांग्रेस नेता दीपेश पटेरिया के नेतृत्व में किसानों ने चकाजाम किया। दीपेश ने बताया कि क्षेत्र में कई मैट्रिक टन यूरिया डीएपी की जरूरत है, लेकिन मात्र कुछ ही टन यहां आया है, जिससे खाद की समस्या बनी हुई है। किसानों ने बताया कि खाद की किल्लत के चलते कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। ब्लॉक के अधिकांश गाँवों में डीएपी और यूरिया खाद की कमी है। शर्म की बात है कि बोवनी का समय निकला जा रहा है और सरकार खाद बीज तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। सुबह से किसान लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही। अब बिना खाद के किसान कैसे बोवनी करेगा, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कृषि के लिए शुरुआती दिनों में डीएपी का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद धान की फसल में यूरिया का प्रयोग भी किया जाता है। जहां करीब एक घंटे चले चकाजाम के बाद नायाब तहसीलदार रोहित सिंह राजपूत और हटा टीआई एचआर पांडे मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत में बताया कि 60 ट्रंक डीएपी खाद कृषि उपज मंडी में आया है, जिससे समितियों में ना भेजकर सीधे मंडी से किसानों को टोकन के माध्यम से वितरण किया जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान मान गए और चकाजाम खोला गया। प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे क्षेत्र के किसानों की पिछली जो मूंग उड़द सोयाबीन की फसल थी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। उसके बाद प्रशासन के द्वारा ना कोई मुआवजा मिला है एवं समर्थन मूल्य पर जो देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, एक भी किसानों का दाना नहीं खरीदा गया। उसके बाद जैसे तैसे हमारा संघर्षशील अन्नदाता आज 2-2, 3-3% पर 5-5% पर साहूकारों से कर्ज लेकर आगामी फसल की तैयारी कर रहा है, तो पूरे दिनों में 4 से 6 घंटे 8 घंटे उसको बिजली मिल रही है। आज पूरी रात रात भर किसान बिजली की आस में जाग जाग के सिंचाई कर रहा है। उसके बाद भी जब वो अपने खेत की बोनी के लिए यहाँ डीएपी लेने आ रहा है, तो आज भ्रष्ट जो शासन प्रशासन बैठा हुआ है, ये डीएपी की कालाबाजारी हो रही है। किसानों को यहाँ पर जो 1200 रुपये का डीएपी मिलना चाहिए, वो दुकानों पर 2-2 हज़ार रुपये की बोरी मिल रही है। एक ओर मुख्यमंत्री जी अपने आप को किसान का पुत्र कहते हैं, दूसरी ओर आज किसान की यह हालत है कि परसों दीपावली का त्यौहार है और किसान यहाँ सड़कों पर बैठा है, लाइनों में लगा है, उसको खाद नहीं मिल रही है। आज हमारी लड़ाई इस बात को थी जो हम लोगों ने चकाजाम किया था कि हमारे किसान भाई को उनका अधिकार मिले, उन्हें समर्थन मूल्य पर जो सत्य जो 1200 रुपये रेट है उस पर डीएपी मिले, कालाबाजारी बंद हो और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 घंटे की लाइट दी जाए, जब हमारा किसान अपनी आगामी फसल ले सकेगा। हमने प्रशासन से साफ तौर पे कहा है, या तो हम किसान भाइयों को जेल में डालो तो हम लोग वहाँ, नहीं तो हम लोग यहाँ सड़कों पर बैठेंगे। और अगर प्रशासन ने किसानों के हितों की अनदेखी की तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे, जेल जाना पड़े जेल जाएंगे, पर किसानों को उसका अधिकार दिलवाएंगे। अभी प्रशासन ने हम लोगों की बात मानते हुए जो ये 60 ट्रक बाहर जा रहे थे घोषणा की है और यहाँ बटने लगा है कि 60 ट्रक खाद आज ही अभी ये बटवाएंगे। इस पे हम लोग सब उठे हैं, हम लोग ने साफ तौर पर प्रशासन को चेतावनी दी है और मैं मंत्री और विधायक जी और सांसद जी से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जो एसी गाड़ियों में घूम रहे हो और बड़ी बड़ी प्लेनों में घूम रहे हो, ये किसान जब एक लीटर डीजल डलवाता है, एक नमक का पैकेट खरीदता है, एक डीएपी की बोरी खरीदता है, उसके टैक्स से जो कमाई होती है उससे शासन प्रशासन चल रहा है, तो आपकी जवाबदारी सरकार के प्रति नहीं, पहले किसान के प्रति है। बीजेपी की सरकार जो मोदी कह रहे थे 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी, अभी तक दुगनी तो नहीं हुई बल्कि आधी हो गई है। किसान की लागत दूनी कर दी गई है और आय वो आधी हो गई है। किसान पिछले 10 वर्षों से बहुत परेशान है, जब से बीजेपी सरकार आई है। कांग्रेस के राज में इतनी महंगाई 70 सालों में नहीं हुई, जो 70 महीने में बीजेपी ने कर दी गई है। किसान आज पिछले 3 दिनों से लगातार लाइन में लगे हुए हैं डीएपी के लिए, वो लगातार चूतिए बना रहे हैं कि
कल मिलेगा खाद, कल मिलेगा, मगर वो ब्लैक में रात में बेच दे रहे हैं। ट्रक यहाँ पर डीएपी की आती हैं पर ब्लैक वालों को दिए जाते हैं, किसानों को कुछ नहीं मिलता। 2000 की बोरी ब्लैक, ब्लैक में 1800 रुपये की बोरी दी जा रही है और यहाँ पर 2,50,000 में कुछ नहीं मिलता किसानों को। किसानों द्वारा अभी चक्काजाम किया गया था, जिसमें आश्वासन दिया गया और टोकन बांटे गए, डायरेक्ट में रसीद नहीं काट रहे, टोकन बांटे गए, इसका कोई भरोसा नहीं कि खाद मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। घर से कब से आया? घर से हम सुबह से आए, सुबह 7 बजे से, अभी कुछ नहीं खाया है, शाम हो गई है, कुछ मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, अभी टोकन बस मिले। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए हटा से रविकांत बिदोलिया की रिपोर्ट।